जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉक ऑफिशियल में फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और इधर बन रही है लौकी की बर्फी। तो आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, इधर मैं लौकी की बर्फी बना रही हूँ। तो जहाँ पे लौकी को मैंने कद्दूकस करके और इसका जितना भी पानी था वो मैंने सारा निकाल दिया था। तो दोस्तों, कढ़ाई में डाल दिया था मैंने 1 चम्मच घी, उसके बाद डाल दी थी लौकी। तो लौकी को तेज आंच पे मैंने अच्छे से भूंज लिया था जब तक चिपकने लगी थी। उसके बाद मैंने डाल दी थी चीनी। तो चीनी डालते ही पानी छोड़ने लगती है, तो चलाते चलाते गाढ़ी होने लगी है। पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला इसमें, तो बस अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना डालना है। बर्फी जमानी है तो चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस उसके बाद डाल दिए मैंने मावा। अभी मैंने नीचे उतार लिए कढ़ाई, क्योंकि अभी गैस पे पकाना नहीं है, इसको चलाते रहना है। तो दोस्तों, चलाते चलाते गाढ़ा हो गया, इससे ज़्यादा इसको नहीं चलाना है। जैसा ही ठंडा होता है वैसा ही गाढ़ा होने लगता है। तो अभी मैंने निकाल लिया एक प्लेट पर, और सबसे पहले मैंने प्लेट पर घी लगा दिया था। अभी मैं सारा जितना अभी कढ़ाई में लगा हुआ है वो मैं सारा निकाल के और हाथ पे घी लगा के मैं दबा दबा के इसका शेप दे दूंगी। तो अभी गर्म है तो थोड़ा ध्यान से ही करना है, अगर ये चम्मच वगैरह से हो रहा है तो उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे से तो हो नहीं रहा था, मैंने हाथ से ही किया था इसको। तो दोस्तों, अभी काट देते हैं इसके पीस, नहीं बाद में फिर टाइट हो जाएगा। तो गरम गरम में मैंने इसके पीस काट दिए हैं, तो शेप में ना थोड़ा सा वैसा लग रहा है, लेकिन खाने में तो सच में बहुत टेस्टी बनी थी बर्फी। तो बस कभी कभार विश्वास नहीं होता कि इतनी अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, आज है सावन का लास्ट सोमवार और रक्षाबंधन भी है। तो अभी हम तीनों जाएंगे मंदिर, हिमांशु तोड़ के लेके आए जहाँ पे बेलपत्ते। तो 5-5 बेलपत्ते तोड़ के लेके आए, मैं करी इतने का क्या करेगा। तो बोले 3 हम ले जाएंगे, बाकी आंटियों को दे देना। तो वह अभी पत्तियाँ तोड़ रहे हैं, तो अच्छी अच्छी मैं कही तोड़ के रख लो, और अभी हम करेंगे पूजा, उसके बाद जाएंगे हम मंदिर। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं मंदिर। मानसु को मैंने पकड़ा दिया नारियल पानी, तो भरनी में पानी ले लिया हमने क्योंकि हम 3 जने हैं, और मैंने ले लिया थाली, गिलास में ले लिया है दूध, आज मैंने सुबह में ध्यान से रख दिया था। तो बस अभी चलते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा पाती क्योंकि आज भीड़ भी काफ़ी हो रही है। तो अभी तो सुबह से ही भीड़ चल रही थी, तो अभी तो थोड़ी ठीक थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे, क्योंकि छोटा सा मंदिर है तो यहाँ पे मतलब पूजा करने में भी दिक्कत होती है। तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, उसके बाद आ गए थे हम घर पे, और घर आके बनाया था मैंने केले का शेक। मैंने कि पहले पी लेते हैं, उसके बाद लगेंगे काम में, क्योंकि आज का पूरा दिन काम में निकलने वाला है। तो बस हम तीनों ने पी लिया था, और रक्षा के सूट में जो बाजू थी उनमें लगी थी डबल झलर लगी थी, तो उसमें से बोल रही थी एक निकाल दे। तो जिसमें नीचे जो फ्रॉक सूट दिया है ना, उसका डिजाइन में दिया था, मतलब उसका दिया था उस वाले कपड़े का। तो बोल रही थी इसको निकाल दो, क्योंकि जेंट्स वगैरह पर पहनने में थोड़ा ठीक नहीं लगता, अलग से लगता था, तो वैसे ठीक लग रही है ऐसी भी। तो बस मैंने निकाल दी थी, और एक एक सिलाई थी उस पर, इसलिए जल्दी निकल गई। दोस्तों, जहाँ पे मैंने जमा दिया दही, वो अभी इसको रख देती हूँ ढक के, तो जम जाएगा दोपहर तक, जब तक खाना बनेगा तब तक जम जाएगा। तो दही बड़े बनाऊंगी, इसके लिए मैंने उड़द की दाल रात में भिगो दी थी। अभी मैंने पीस लिए इसमें काली मिर्च, नमक डाल के और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मैंने पीस के रख दिए। अभी जब बनाऊंगी तब मैं उसको फेंट लूंगी अच्छे से। तो बस एक साइड रख दिए मैंने खीर बनाने, और एक साइड मैंने रख दी है सब्जी बनाने। तो वह जहाँ पे मैंने खीर में डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए, उसमें डाल दिए चीनी, और बस अभी पक जाएगी, उसके बाद इसमें मैं तड़का लगा दूंगी। तो दोस्तों, खीर बना के मैंने साइड में रख दी है, अभी बनाऊंगी पनीर। और मैंने दोनों गैस साथ में ही चालू कर ली थी, मैंने कहा खीर भी बनती रहेगी, सब्जी भी बना लूंगी, लेकिन उसमें क्या होता फिर बाद में छीटा से लगते ना उसमें। तो पूजा की है खीर, मैंने की बाद में ही बनाऊंगी, पहले खीर हटा देती हूँ। इंडक्शन ख़राब हो गया है, नहीं तो फिर मैं इंडक्शन पर रख देती। तो अभी देखती हूँ मैं, उसको लेके जाऊंगी बनवाने। उससे बहुत ज़्यादा मेरा काम मतलब हो जाता था, जब दूध गर्म हो गया, और जैसे सीटी लगाने वाला काम होता चावल बनाना या दाल बनाना वो हो जाता था। तो बस इधर प्याज हो गई थी अच्छे से, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज साथ में डाल दी थी, तो बस अच्छे से पक गई थी। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, टमाटर के साथ में मैंने थोड़ा सा जीरा और 2-3 बादाम मैंने पीस लिए थे।
तो बस टमाटर हो गए थे, उसके बाद मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ी सी मैंने डाल दिया था किचन के मसाला। उसके बाद मैंने डाल दिया कस्तूरी मेथी। तो मसाला अच्छे से हो गया था, अभी डाल दिया है मैंने मलाई, 2-3 चम्मच मलाई थी। तो आज सुबह में ही मैंने दूध गर्म करके रखा था, खीर के लिए दूध गर्म किया था, तो उसी पे से मैंने 2-3 चम्मच मलाई निकाल ली थी, वही मलाई मैंने डाल दी। मसाला अच्छे से हो गया तो उसके बाद मैंने पनीर डाल दी है। तो बस अभी मैं इसमें डाल दूंगी पानी, इसको अब ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, घर की पनीर है, घर पे ही मैंने बना के रखी थी रात में। तो अभी दूध बच्चे पीते नहीं हैं तो काफ़ी दूध बच जाता है। तो बस सब्जी अभी पकती रहेगी, थोड़ी देर पकाने के बाद उसमें हरा धनिया डाल दूंगी। मैंने किचन भी साफ़ कर दी है, बर्तन हो गए हैं थोड़े बहुत, वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ हाथ के हाथ। इधर हिमांशु से मैंने बोल दिया है तो वो भाई मतलब बेडशीट बिछाने के लिए, तो दोनों तीनों रूम की वो बेडशीट बिछा देगा। आज मैंने पूरा बेडशीट जितनी भी थी सारी मैंने धो दी हैं, कवर वगैरह उड़ने वाले बिछाने वाले सब धो दिए थे। इधर रक्षा बना रही है रंगोली जो इसकी हम पूजा करेंगी, तो वैसे उसको पता नहीं था, पहले तो उसने ऐसे ही बना दी थी, उसके बाद में मतलब उसने फिर अच्छे से बनाई थी दूसरी वाली, तो अभी वो बना लेगी और मुझे भी नहीं पता, मुझे भी याद नहीं है। इधर हिमांशु ने भी बेडशीट बिछा दी है, दोनों तीनों रूम की बढ़िया कवर वगैरह लगा के हैं, और जैसे मैं बिछाती हूँ बिल्कुल वैसे ही बिछाई है। तो उसको जो भी काम मैं देती हूँ बहुत मन से काम करता है, उसको बाद में बोलना नहीं पड़ता कि ऐसा किया वैसा किया, बहुत अच्छे से काम करता है। आज सुबह में भी हम तीनों बहुत जल्दी उठ गए थे, तीनों ने मिलकर काम निपटा लिया था। तो त्यौहार जब होते हैं तो काम भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी, तो पूजा के लिए बना रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, एक एक पूड़ी से मैं सेक लूँगी, तो जितना मेरे को चाहिए मैंने खट्टी मतलब बेल के रख ली हैं और एक एक से मैं सेक ले रही हूँ। उसके बाद खाने के लिए बनाऊँगी बाद में तेल में, तो जो घी में मैं पूड़ी बनाती हूँ वो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो बस अभी मैंने पूजा के लिए बना ली, अभी लगा लेती हूँ मैं थाली, उसके बाद चलते हैं बाहर पूजा करने के लिए। दो प्लेट लगा ली थी मैंने, एक से मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, एक मैंने जहाँ पे ले लिए, अभी दीपक जला लेते हैं। तो बस जैसे पूजा करते हैं ऐसा कर लेते हैं। एक तरफ की जो रंगोली बनाई है ना रक्षा ने, वो इतनी सुंदर लग रही थी और उसको पता नहीं था कैसी बनानी है, तो एक तो फिर ऐसी ही बना दी थी उसने। तो इधर की तो बहुत अच्छी लग रही है, वैसे तो ऐसी नहीं बनती और भी अलग बनती है, तो बस ऐसी उसने बनाई, मैंने कहा इसी की पूजा कर लेते हैं। तो जहाँ पे मैं 2 राखी लेके आई थी, तो जो धागा की लेके आते हैं जो वाली राखी, तो मैं 2 लेके आई थी, दोनों तरफ चिपका देते हैं और उसके बाद बस भोग लगा देंगे और पूजा कर लेंगे, जैसे पूजा करते हैं आरती कर लेंगे। चलिए दोस्तों अभी लगा देती हूँ मैं थाली, आप लोग भी आ जाइए। आज ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया, खीर बनाई है, पनीर बनाई है, पूड़ी बनाई है और जो घर पर मिठाई बनाई थी वो मैंने ले ली है। तो मिठाई दोनों ही अच्छी बनी थी, जो कलाकंद बनाई वो भी बहुत टेस्टी बनी थी, जो लौकी की बर्फी बनाई थी वो भी बहुत अच्छी बनी थी। तो इस बार मैंने बाहर से मिठाई नहीं मंगवाई है, तो बस दोनों जो मैंने घर से मिठाई बनाई थी वो ही मैंने रख ली है, उसी से हमने पूजा कर ली है और वही हमने खाने में रख ली है। तो बस अभी मैंने बच्चों को दे देती हूँ, दोनों बच्चों को, दोनों बच्चे खाएंगे गरम गरम। मैं अभी पूड़ी बनाऊंगी, थोड़ी सी पूड़ी और बच गई है और उसको बनाने के बाद मैं भी खा लूँगी साथ में ही खाना। तो बस आधी पूड़ी मैं बना चुकी हूँ, आधी थोड़ी सी रह गई है, 2-4 पूड़ी, उसको बनाने के बाद मैं भी अपनी थाली लगा लूँगी। तो दोस्तों टाइम हो गया है राखी बांधने का, 2:50 हो गई हैं और अभी 2 बजे तक तो मुहूर्त ही बता रहे थे, तो इस वजह से फिर मैं भी चली गई किचन में अपना बर्तन वगैरह किए किचन की, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था किचन में मुझे, 1 घंटा आराम से लग गया था, बर्तन भी इतने काफ़ी हो गए थे। तो मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया है, तो बस अभी यहाँ पे जी दोनों भी सो गए थे खाना खा के, मैंने अभी उठाए दोनों को, मैंने कि चलो राखी बांध दो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इधर मैं लड्डू गोपाल को भी लेके आ गई हूँ, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के राखी बांधेंगे, उसके बाद रक्षा अपने भाई के बांधेगी। तो जब से मैंने लड्डू गोपाल लिए हैं मैं भी राखी बांधती हूँ, रक्षा भी बांधती है, और छोटी सी मैं राखी लेके आई थी लेकिन वो भी बड़ी पड़ गई है, और एक ड्रेस भी लेके आई थी मैं वो भी बहुत बड़ी आ गई है। तो हिमांशु रक्षा दोनों बोल रहे थे, बोले मम्मी जब बड़े हो जाएंगे लड्डू गोपाल जब पहनाएंगे इनको, मैं कर यहाँ जब पहनाएंगे, तो एक छोटी लेके आई थी मैं एक बड़ी लेके आई थी, तो जो बड़े बड़े में मिल रही थी ना बड़े साज की, वो बड़ी बड़ी सुंदर थी, मैं करी बन जाएगी, तो बोल रही थी मम्मी इतनी बड़ी लेके आ गई तो मैं पता नहीं था कितने छोटे हैं लड्डू गोपाल। तो बस जो छोटी लेके आई थी वो मैंने पिना दी है, और जो बड़ी लेके आई उसको मैं वापस करके आऊँगी और छोटी लेके आऊँगी। दोस्तों लड्डू गोपाल के राखी बांध दी है, टीका लगा दिया है, हाथ जोड़ लिए हैं और भोग लगा दिया है। तो रक्षा आरती कर रही है उल्टे हाथ से, तो उसका जो उल्टा हाथ है ना वो बहुत ज़्यादा चलता है, मुझे बार बार उसको बताना पड़ता है कि सीधे हाथ से कर सीधे हाथ से कर।
तो उसको क्या है ना, उसी से आदत पड़ गई है, मतलब जो उल्टा आता है ना उसी से आदत पड़ गई है, तो बार बार वो वही मतलब उसी से करती है। तो बस अभी अपने भाई के राखी बांध देगी, आप देख सकते हो कितनी मस्ती कर रही है। और इस बार रक्षा ने अभी मेहंदी नहीं लगाई, मैंने भी नहीं लगाई है, और जो आती है ना एक तुरंत रचने वाली, तो वो हाथ में जलन करती है मेरे, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लगाई है। और रक्षा ने भी नहीं लगाई है, उसको टाइम नहीं मिला था तो उसने भी नहीं लगाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो मैंने दो पार्ट में कर दी है, पूरा दिन का मैंने ब्लॉग बनाया है, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, मुझे जल्दी जल्दी कट कर करके दिखाना पड़ता है, फिर मुझे बोलने में भी दिक्कत होती है, तो फिर क्या होता है कुछ चीज़ समझ में आती है कुछ नहीं आती, तो इस वजह से मैंने दो पार्ट में कर दिया है। तो बस इधर रक्षा को मिल गई है टॉपी, मानसु बोल रहा था कि मम्मी गिफ्ट ले लेते हैं, मेरे साथ गया था मार्केट तो बोला था गिफ्ट ले लेते हैं, मैं करी रहने देते हैं, अभी उसको मैं लेके आऊँगी, बोल भी रही है, वो सूट के लिए बोल रही थी, मैं करी बाद में मैं दिलवा दूँगी, उसी को मार्केट लेके जाऊँगी, और जब उसकी छुट्टी होगी फिर मैं उसको ले जाऊँगी। अभी स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह है तो उसके लिए बोल रही है बहुत दिन से कि मुझे सूट दिलवा दो मम्मी, तो मैंने कही चल मैं उसके लिए सूट दिलवा दूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लड्डू गोपाल हमारे कैसे लग रहे हैं। तो बस देख आप देख सकते हो लड्डू गोपाल की राखी। तो दोस्तों वीडियो कर देती हूँ एंड, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।